अनूपपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय भैया प्रदीप जायसवाल जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय भाई कमलेश्वर पटेल जी, जनजातीय कार्य मंत्री भाई ओमकार सिंह मरकाम जी, मंच में विराजमान सभी मेरे पूज्य आदरणीय ऋषि मुनि महात्माओं, परम पूज्य कंप्यूटर बाबा जी, परम पूज्य कल्याण दास बाबा जी के आदरणीय हेमांद्र मुनि जी, शांति कुटीर बर्फानी आश्रम और मृत्युंजय आश्रम से पधारे आदरणीय पूज्य आचार्य जी के साथ इस मंच में विराजमान मेरे आदरणीय सभी विधायक साथीगण, अनूपपुर जिले के सम्मानित कलेक्टर और माननीय कमिश्नर अधिकारीगण, मेरे दूर दूर से आए मेरे आदरणीय माताओं और बहनों, आदरणीय नौजवान साथियों, आदरणीय सभी संत महात्माओं का भी मां नर्मदा की तपोभूमि पर उनके चरण व स्पर्श प्रणाम करता हूं। माई रेवा की श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से 3 दिवसीय अमरकंटक नर्मदा महोत्सव का आयोजन आज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पूर्णतः आज का यह नर्मदा महोत्सव हमारे जन जन के यह सहयोग से इस बार यह आयोजित हो रहे हमारे का यह महोत्सव है, जहां कोने कोने से हमारे माताओं और बहनों ने, हमारे आदरणीय बुजुर्गों ने, धर्मावलंबियों ने धर्मार्थ जो काम कर रहे हैं, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस महोत्सव के सफल संचालन के लिए हमें राशि प्रदान किया है। वे सभी दानदाताओं का मैं अपनी ओर से, इस मंच की ओर से उन्हें प्रणाम और नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने एक अभियान चलाया था कि एक मुट्ठी अनाज अन्नदान महादान के इस परिकल्पना के साथ हमने अपने क्षेत्र में पूरे विधानसभा में हमने एक रथ माई नर्मदा की लेकर के चले और एक पूरे घर घर से हमारी माताओं और बहनों ने इस महोत्सव के सफल संचालन के लिए और इसके खर्च के लिए भी लगभग 175 कुंटल चावल गल्ला इकट्ठा किए और 7 ग्रामवासियों ने हमें नगद राशि भी उपलब्ध कराई। इसके लिए मैं आप सब लोगों को हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं कि आज आपके इन तमाम आम जनों को, आदरणीय उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को, समाज सेवियों को, आश्रमों को, जनप्रतिनिधियों को और हमारे अनूपपुर जिले के वे तमाम शासकीय कर्मचारियों को भी मैं अपनी ओर से अभिनंदन और वंदन करता हूं, जिन्होंने इस महोत्सव में अपने दैनिक जीवन जो राशि बचा करके और एक दिन के राशि इस महोत्सव में देने का जिन्होंने निर्णय लिया, इसके लिए भी मैं कलेक्टर अनूपपुर को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आज हमारे माननीय इस कार्यक्रम में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमारे पिछली सरकारों ने जो आज 15 साल के जो मां नर्मदा के नाम से इन लोगों ने बहुत सारे ढिंढोरा पीटे, लेकिन मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज मां नर्मदा या अमरकंटक मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के सा कैलेंडर में शामिल नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसको शासकीय कैलेंडर में आप शामिल करते हुए अब प्रतिवर्ष आयोजन के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए एक जनजाति समुदाय जो बैठे हैं उसके लिए आप घोषणा करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपके सरल हृदय को मैं जानता हूं,
आ खजाना खाली आपको मिला, खजाना खाली मिलने के बाद भी हमारे मध्य प्रदेश के किसानों का आपने ऋण माफ किया है, हमारे जनजाति समुदाय के लोगों का मुख्यमंत्री अनुदान योजना मदद योजना के अंतर्गत आपने बर्तन दिया है। अब बर्तन के साथ अब हमारे जन्म उत्सव के लिए 50 किलो अन्न आपने दिया है। अब मृत्यु संस्कार के लिए आपने 1 क्विंटल खाद्यान्न दे करके हमें अनजाति जनजातियों का सम्मान आपने पैदा दिया है। इसके लिए भी हम लोग आपका जो बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। मैं इस आपका हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ऐसे कुबेर जो आज मेरे बीच में बैठे हैं, जो अपने थोड़ा सा अंश ये माँ नर्मदा की पावन धरा पर पुष्पराजगढ़ विधानसभा के सर्वांगीण विकास के लिए मैं आज 3 चीजें मैं आचार आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अमरकंटक नर्मदा महोत्सव का आयोजन नियमित प्रतिवर्ष हो, इसके लिए सांस्कृतिक विभाग के आधिकारिक कैलेंडर में इस महोत्सव को शामिल कर विभाग 5 करोड़ रुपए राशि हमको प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। दूसरा, हमारा पर्यटक एवं अध्यात्म गतिविधियों के लिए अमरकंटक कन्वेंशन सेंटर की स्थापना हेतु सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग से 20 करोड़ रुपए की हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, ताकि इसके स्थापना के साथ तमाम गतिविधियों का संचालन यहाँ से हो सके। इसकी भी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि की घोषणा करने की कृपा करिए। निवेदन है कि पर्यटक और युवाओं को आकर्षित करने के लिए एक वन विहार मुकुंद टाइगर सफारी तर्ज पर अमरकंटक में अमरकंटक प्राणी पार्क बनाने की कृपा करेंगे, जिससे बहुत सारे हमारे युवा भी जुड़ेंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और ये माँ नर्मदा की पर्यटक स्थल का इसका सर्वांगीण विकास होगा। इसके लिए मुझे वन विभाग से 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी और प्राथमिक स्तर पर वन विभाग द्वारा प्रारंभिक सर्वे भी कर लिया गया है और इसकी संभावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया है, इसके लिए वे मुझे 100 करोड़ की देने की कृपा करेंगे। अब माननीय पुष्पराजगढ़ जिस आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहां आप विराजे हैं, अब 85% भैया थोड़ा रुक जाना, बिसावलाल भैया थोड़ा रुकिए, मैं तो अपना बात कर लूं फिर बात कर लेना, मेरा बात ही नहीं सुन रहे, मैं बोल रहा हूँ मेरा माननीय इतना निवेदन है कि पुष्पराजगढ़ मेरा विधानसभा जंगल और पहाड़ों से भरा हुआ है, जल स्तर में जो है बहुत नीचे चला जा रहा है। आपका 85-90% जनजाति समुदाय बैगा भरिया जनजाति गोंड पंचा भरिया से भरा है पुष्पराजगढ़ है। मेरा आपसे निवेदन है कि मात्र इसके नल सामूहिक नल जल योजना का आपका कंसेप्ट है, पूरे मध्य प्रदेश में आप लागू करना चाहते हैं। आज पवित्र नगरी माँ नर्मदा की पावन धारा से तपोभूमि से मैं चाहता हूँ कि इसका आपका शुरुआत करें और 4 ये जो है हमारे प्राकलन अनुसार मेरा 183 करोड़ का मुझे आवश्यकता नल जल योजनाओं का है, मैं चाहता हूँ कि इसकी घोषणा करें और ताकि मेरे जनता को जो है पानी स्वच्छ पानी हम दे सके। और मैं ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि आपका बहुत व्यस्तम समय है और जिस तरीके से आज माँ नर्मदा की तपोभूमि में जो मंचासीन मेरे अतिथियों ने, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह साहब ने, मेरे प्रभारी मंत्री प्रदीप जायसवाल जी का जिस तरीके से मार्गदर्शन और हमें मिला है और हम आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, मैं अब माँ नर्मदा की ओर से समाज जनता की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपका स्नेह आपका प्यार इस पुष्पराजगढ़ विधानसभा को मिलेगा और ये थोड़ा सा राशि उस खजाने से अब मैं जानता हूँ कि इंदौर और भोपाल मेट्रो ट्रेल आपने चलाया, खाना खजाली होने के बाद भी आपने चलाया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 308 करोड़ रुपए मात्र एक कुबेर के खजाने से 308 करोड़ रुपए मात्र मुझे चाहिए और इसकी घोषणा करने की कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ माँ नर्मदा की इस पावन धरा पर विराजे सभी अतिथियों का, आदरणीय अधिकारियों का, आदरणीय कर्मचारियों का, मेरे सब आदरणीय जनता का मैं सहृदय से आपका नमन और प्रणाम करता हूँ। बोले नर्मदा मैया।
308 करोड़ की बात भैया, 308 करोड़ की बात है, थोड़ा तेज से बोलो, बड़ा नर्मदा मैया के। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विधायक श्री फुंदेलाल सिंह जी मार्को। और अब मैं अगले क्रम में अनुरोध करूंगा, हमारे जिले में शिक्षा स्वास्थ्य जन उपयोगी धन अनुसंरचना के लिए जिला खनिज मद से खुले मन से योगदान देने वाले हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जिन्होंने अमरकंटक महोत्सव में उल्लेखनीय योगदान दिया है कि वह आए और हम सबको संबोधित करें। एक दफे जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री प्रदीप जायसवाल। जिला अनूपपुर पुष्पराजगढ़ हमारा इस विधानसभा क्षेत्र में मां नर्मदा जी का उद्गम स्थल और इस पावन पर्व पर जब हम सब नर्मदा महोत्सव का आज प्रारंभ हो रहा है, इस नर्मदा महोत्सव के आज के इस शुभारंभ के अवसर पर बहुत ही ऐतिहासिक दिन कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्मानीय कमलनाथ जी आज हमारे बीच में इस शुभारंभ के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका आप सभी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनके निर्देश पर उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं आप सबके बीच में रहा और मेरा पूरा प्रयास रहा कि आप सबकी बातों को, आप सबकी भावनाओं को, आप सबकी समस्याओं को उन तक पहुंचाने का मेरा प्रयास रहा। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के सम्मानीय हमारे अध्यक्ष आदरणीय एनपी प्रजापति जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने बताया कि नर्मदा परिक्रमा क्या होती है। इसके पहले 15 वर्षों में हमने देखा हेलीकॉप्टर से या तरह तरह से वृक्षारोपण के माध्यम से मां नर्मदा के नाम से जिस तरह से मां नर्मदा को धोखा दिया गया और उनके साथ आप सबकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, आज हमको पता चला कि 3,500 किलोमीटर की पदयात्रा कैसी होती है, क्या होती है, उसका क्या महत्व है, वो बताने वाले माननीय दिग्विजय सिंह जी जिन्होंने सब पत्नी श्रीमती अमृता सिंह जी के साथ इस नर्मदा परिक्रमा पूरा किया। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री भाई ओंकार सिंह मरकाम जी, हमारे पंचायत मंत्री युवा साथी भाई कमलेश्वर पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सम्मानी जो संतगण उपस्थित हैं उनको सभी को नमन करता हूं और उनके प्रतिनिधि रूप में हमारे सम्मानी कंप्यूटर बाबा जी हमारे मंच पर उपस्थित हैं उनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारे विधायक सम्मानी बिसाऊलाल सिंह जी, आदरणीय हमारे पुष्पराजगढ़ के विधायक भाई फुंदेलाल मार्को जी जिन्होंने बहुत ही एक जमीनी आप सबको जोड़ा, हमारी आदिवासी संस्कृति को माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया और लगातार प्रयास करते रहते हैं कि अपने क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से खनिज न्यास के माध्यम से जिला प्रशासन के माध्यम से जो संभव हो सकता है काम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे फुंदेलाल मार्को जी, हमारे युवा विधायक सम्मान्य सुनील सराफ जी, हमारे बहुत ही सक्रिय कलेक्टर हमारे ठाकुर साहब, हमारे जिलाध्यक्ष भाई जयप्रकाश अग्रवाल जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानी जनप्रतिनिधिगण, सभी हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारीगण, मीडिया के सभी साथीगण, सभी को मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा फुंदेलाल जी ने आप सबको अवगत कराया, अमरकंटक महोत्सव को एक नई पहचान देने का प्रयास जिला प्रशासन के माध्यम से हम सब ने माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा है और आप सबकी जैसी भावनाएं हैं मां नर्मदा जी की आपके प्रति जो आस्था है उस आस्था को आगे बढ़ाते हुए इस साल माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे अमरकंटक महोत्सव नर्मदा महोत्सव के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि इस महोत्सव को मनाने के लिए आप सबके लिए यहां पर दी है और मेरा निवेदन है कि आने वाले वर्षों में इस अमरकंटक महोत्सव को जैसा कि हमारी आदिवासी समाज की संस्कृति परंपरा है और आप सबकी भावनाएं हैं इसको एक नई पहचान देने के लिए आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश शासन के बजट में एक नियमित बजट में प्रतिवर्ष उसका उल्लेख रहे और एक राशि 5 करोड़ हमारे विधायक जी ने कहा है उतनी राशि प्रतिवर्ष बजट में रहे और यह अमरकंटक महोत्सव पूरे प्रदेश में एक नई पहचान उभरे, पूरे देश में जाना जाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। और इस अवसर पर मैंने जो काम किया एक साल में, हमने आदिवासी क्षेत्रों के लिए काफी कुछ काम करने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहता हूं कि हमारे कलेक्टर जिला प्रशासन के माध्यम से हमें आदिवासी हमारे युवा जो है, हमारे आने वाली पीढ़ी है, इसके लिए भी हमने खनिज न्यास के माध्यम से उनको आईटी में कैसे काम किया जाए,
उनको एमपीपीएससी यूपीपीएससी की परीक्षाओं की तैयारी कैसे की जाए उसके ट्रेनिंग करने के लिए अपने सारे यहाँ सेंटर खोले और उसमें हमारे जो अधिकारी हैं कलेक्टर है एसडीएम है ये स्वयं जाके भी वहां पर प्रशिक्षण देते हैं उनको सिखाते हैं और बाहर से भी लोगों को रखा गया है तो चौतरफा विकास करने का हमारा प्रयास है और जैसा फुंदेलाल जी ने अवगत कराया आपको इस क्षेत्र में हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन इस क्षेत्र में हमारी आदिवासी संस्कृति परंपरा को ध्यान में रखते हुए जैसा आप सबने आपने आदेश के बाद विश्व आदिवासी दिवस एक दिन की छुट्टी घोषित की गई और पूरे विश्व में विश्व आदिवासी दिवस को एक नई पहचान देने का प्रयास किया आदिवासी संस्कृति आदिवासी विकास की जो भावना है उसको अनुरूप उनके हर कार्यक्रम में चाहे दुख का कार्यक्रम हो सुख का कार्यक्रम हो उस परंपरा को कायम रखते हुए उनको अलग से मदद करने का पूरा प्रयास उन्होंने किया है। इस क्षेत्र में पर्यटन आध्यात्म और वन इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना काम करने की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसा माननीय कमलनाथ जी का विजन है जैसे उनसे चर्चा हुई है आने वाले वर्षों में मार्च के बजट के बाद आज सब कुछ देख के जा रहे हैं आप सबकी भावनाओं को देख के जा रहे हैं तो आप सबकी भावनाओं को जोड़ते हुए आने वाले वर्षों में इन सारे क्षेत्रों में काम करने का प्रयास उनका निर्देश उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिलेगा। मैं इसी कामना करते हुए मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबके तरफ से माननीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत जय नर्मदा जी। धन्यवाद माननीय प्रभारी मंत्री जी। और मैं इसी क्रम में अनुरोध करूंगा हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री एनपी प्रजापति जी से कि वह आए और इस महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित जनों को संबोधित करने का कष्ट करें। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी। श्रद्धेय हनुमान भक्त मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री और ऐसे पड़ाव पर मुख्यमंत्री बने जब मध्य प्रदेश को ऊपर लाना था हनुमान भक्त मुख्यमंत्री कमलनाथ जी। नर्मदा प्रक्रमावासी संत श्रोमणी पूर्व मुख्यमंत्री राजा दिग्विजय सिंह जी आप ही ऐसे नेता हैं आजादी के बाद जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के नेता होते हुए भी मां नर्मदा की परिक्रमा पूरे 6.25 महीने में पूरी की। आप यहां पुनः आए हैं कल आप भंडारा भी कर रहे हैं। आचार्य महामंडलेश्वर जी कंप्यूटर बाबा जी सभी संतगणों को साष्टांग प्रणाम। प्रभारी मंत्री जायसवाल जी कमलेश्वर जी मरकाम जी विधायक बड़े भैया रिसाऊलाल जी फुंदेलाल जी सुनील सराफ जी सम्मानी मंच उपस्थित सभी श्रद्धालु सनातन धर्मी मैया की गोद में बैठे सभी को मेरा प्रणाम। मां सनातन धर्म की धर्म ध्वजा वो मुख्यमंत्री लेके आए जहां पर आज तक अमरकंटक नर्मदा महोत्सव के नाम पर कोई चीज नहीं होती थी। बधाई है मुख्यमंत्री जी आपको और आपके प्रशासन को कि सनातन धर्म की जो हमारी मां है जिसमें अनेक साधु संत महात्मा परिक्रमा करते हैं निवास करते हैं मैया को भजते हैं उन्हीं के माध्यम से भोलेनाथ को याद करते हैं आपने जो सनातन धर्म की द्वारा अमरकंटक मां नर्मदा के हाथ से शुरू की है निश्चित रूप से ये खम्मात की खाड़ी तक जाएगी पूरी मध्य प्रदेश की जो जीवनदायिनी है इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कुछ यहां मैं रात में घूम रहा तो लोगों का कहना था कि यहां जानवर और विशेषकर रीछ बहुत हैं जिससे साल भर में लगभग 40 से 50 मृत्युआं होती हैं। क्यों ना मुख्यमंत्री जी यहां पर कोई जूहू खोले और उस जूहू का नाम जामवंत रखें जामवंत जूहू रखें जिससे यहां पे जीवन भी सुरक्षित रहे। यही सब मुझे आप लोगों से प्रार्थना करनी थी। मां हम सब पे कृपा बनाए रखे मां का आशीर्वाद पूरे मध्य प्रदेश पे बना रहे यही मां से प्रार्थना करता हूं। आप सबको साष्टांग प्रणाम मंच को साष्टांग प्रणाम। हर हर नर्मदे। धन्यवाद आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगा
मध्य प्रदेश को हर लिहाज से बेहतर बनाने और देश के नक्शे पर प्रदेश की एक चमकदार उपस्थिति सुनिश्चित करने की दिशा में सतत प्रयासरत, खेती का विकास, किसानों की खुशहाली, युवाओं को अधिकतम रोजगार के लिए हुनर को प्रोत्साहित करने व प्रदेश में औद्योगिक और व्यावसायिक निवेश तथा महिलाओं की आर्थिक सामाजिक मजबूती, बच्चों का सर्वांगीण विकास, भारतीय संस्कृति और आध्यात्म के मूल्यों के संरक्षण के लिए सतत प्रयासरत मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी को अति विशिष्ट उद्बोधन के लिए आदर सहित आमंत्रित करते हैं। जोरदार तालियों से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का स्वागत करें। मुखातिब हैं श्री कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नर्मदा प्रसाद प्रजापति जी, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और सांसद दिग्विजय सिंह जी, प्रभारी मंत्री गुड्डा जायसवाल जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी ओंकार मरकाम जी, हमारे कमलेश्वर जी, मंत्रिमंडल में मेरे साथी कमलेश्वर पटेल जी, हमारे विधायक बिसाव लाल जी, मार्को जी, पट्टा जी, सुनील सराफ जी, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जयप्रकाश जी, और यहाँ हमारे साधु संत महात्मा बैठे हुए आचार्य महामंडलेश्वर जी, कंप्यूटर बाबा जी, सभी यहाँ साधु संत महात्मा गण। आदरणीय बुजुर्गों, भाई और बहनों, मैं मां नर्मदा की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। बड़ी खुशी हुई आज यहां आकर। मेरा सौभाग्य है ये जो स्थान है, ये हमारे भारतीय विभिन्न संस्कृति का एक प्रतीक है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी संस्कृतियां हों। कोई ऐसा देश है? हम यहां से मालवा जाए, निमाड़ जाए, अलग रसम है, अलग त्योहार है। हमारे विंध्य में अलग त्योहार है, हमारे महाकौशल में अलग त्योहार है, हम दक्षिण भारत जाए वहां अलग त्योहार है। और यही जो हमारी विभिन्नता है, ये अनेकता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और यही भारतीय संस्कृति जो भाईचारे की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति, दिल जोड़ने की संस्कृति, सब समाज को जोड़ के रखने की संस्कृति, सब धर्मों को जोड़ के संस्कृति, यही भारतीय संस्कृति है। और भारतीय संस्कृति समेटती है हर क्षेत्र की, हर इलाके की, हर प्रांत की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं। ऐसा कोई देश पूरे विश्व में नहीं है। और इतनी विभिन्नता होते हुए भी अपना भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, यही भारत की महानता है। और इसी को हमें सुरक्षित रखना है। हमारे भाईचारे की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की संस्कृति है, इसे हमें हमेशा सम्मान करना है, हमेशा इसको स्वीकार करना है। और यही संस्कृति हमारी शक्ति है, हमारी महानता है। जब पूरा विश्व भारत की ओर देखता है, ताज्जुब से देखता है, पूरा विश्व भारत से ताज्जुब की ओर देखता है। मैंने तो पूरे विश्व में दौरा किया हुआ है, देखता है कि ऐसा देश, इतनी विभिन्नता, और इस विभिन्नता के बावजूद ये एक झंडे के नीचे है। यहां से हम दक्षिण जाए, हमारी धोती पजामा भी लुंगी बन जाती है। ये हमारी विभिन्नता है, तो यही हमारी शक्ति है। और आज यह आकर मुझे बड़ी खुशी हुई इस उत्सव पर, क्योंकि ये भी हमारे संस्कृति का एक प्रतीक है। हमने नर्मदा अमरकंटक नर्मदा महोत्सव का फैसला किया, और यह मैं कहना चाहता हूं, ये तो पहली दफे हुआ है, इसमें कुछ कमी रह गई होगी। ये तो हमेशा महोत्सव मनाया जाएगा, और अगले साल जब होगा, जब अगले साल होगा, जो इस साल कमी है,
जो इस साल पूर्ति नहीं हुई। मार्को जी सुन रहे हैं ना, मार्को जी को बहुत दिलचस्पी है अपने क्षेत्र में। मैं सुन रहा था कि इन्होंने मात्र 300 कितने करोड़ रुपए की मांग रखी है, 308, मात्र 308 करोड़ रुपए की मांग रखी है। बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे यहाँ आना, पर मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि इतनी निष्ठा से जो अपनी क्षेत्र की सेवा करे, मैं आपको और मार्को जी को निराश नहीं होने दूंगा। हमारे मध्य प्रदेश में नई सरकार बनी, 13 महीने पहले नई सरकार बनी। सच्चाई तो यह है तिजोरी खाली थी। इस 13 महीनों में 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में निकल गए, बाकी 10.5 महीनों में हमने प्रयास किया। हमने मध्य प्रदेश की जनता को अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमने शुरुआत करी है, ये एक शुरुआत करी है कि हम मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाएं, मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की तो है, साथ साथ हमारे नौजवानों की भविष्य की है। आज के नौजवान जहां यहां बैठे हैं, हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, नौजवानों की दुनिया कुछ और है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हो, आदिवासी क्षेत्र से हो, किसी जात का हो, किसी समाज का हो, आज का नौजवान की सोच में कितना अंतर है। सही बात है ना, नौजवान सोच में कितना अंतर है, बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी। आज का नौजवान तो इंटरनेट समझता है, व्हाट्सएप समझता है, फेसबुक समझता है। आज के नौजवान में एक तड़फ है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या रोजगार का मौका चाहता है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर मंच पर सभी नेता बैठे हुए हैं, और निर्माण करेंगे भविष्य में, हमारे देश का निर्माण करेंगे भविष्य में। इनका अगर भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती और चिंता का विषय है। इस पर हमने कदम उठाए हैं हर क्षेत्र में कि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। हमारे कृषि क्षेत्र में हमने शुरुआत करी कि जिस किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है, हमने फसल ऋण योजना की शुरुआत करी। लगभग 31 दिसंबर तक लगभग 21 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और इस चरण में जो हमने शुरू करी है, बाकी किसानों का भी कर्जा माफ होगा। हमने कहा था जो किसान का 2 लाख तक का कर्जा है हम माफ करेंगे, हम वचनबद्ध हैं, हम 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे, ये हमारा वचन था। और धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हमें अमरकंटक को एक पर्यटक स्थान बनाना है, मध्य प्रदेश में की एक नई पहचान बनानी है। मध्य प्रदेश की तुलना हम छोटे प्रदेशों से ना करें, हमारे मध्य प्रदेश का चेहरा बदलना है। कि मध्य प्रदेश की तुलना हम महाराष्ट्र से करें, कर्नाटक से करें, छोटे छोटे प्रदेशों से मध्य प्रदेश की तुलना नहीं करें। और ये तभी संभव है जब एक नई सोच आए, व्यवस्था में परिवर्तन हुए। और यही हमारा प्रयास है कि एक मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। नई पहचान बनेगी तो एक नया उत्साह होगा, नई पहचान बनेगी निवेश आएगा, निवेश आएगा तो आर्थिक गतिविधि बनेगी। आर्थिक गतिविधि अगर एक उद्योग लगता है, साथ साथ कोई गाड़ी चला लेता है, कोई ट्रैक्टर चला लेता है, कोई चाय या पान की दुकान खोल लेता है, आर्थिक गतिविधि बनती है। यही हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश की नई पहचान से, मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था से हम मध्य प्रदेश का
एक नया नक्शा बनाए और आपने हमें विश्वास से बल और शक्ति दी थी। मैं तो आपसे यही निवेदन करता हूं कि आगे आने वाले समय में आपका प्यार और विश्वास हमें ये बल और शक्ति देते रहे और हम वचनबद्ध हैं कि हम मध्य प्रदेश के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री। सभी का आभार स्वरूप मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथिगणों का जोरदार करतल ध्वनि से आभार व्यक्त करें और इसके साथ ही इस शुभारंभ कार्यक्रम को यहीं पर हम विराम देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी गंतव्य के लिए यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी को तीन दिवसीय आयोजन के संबंध में अभी मैंने आपको अवगत कराया है। कल शाम के सांध्यकालीन आयोजन में एक बड़ा आयोजन है। देश की सुविख्यात गायिका मैथिली ठाकुर अपनी कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगी और 2 तारीख को शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक देश के सुविख्यात गायक श्री कैलाश खेर जी अपनी प्रस्तुति देंगे। आप सभी इन सारे इवेंट्स में जो सुबह 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक इसी परिसर में आयोजित किए जा रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर योग एवं अन्य कार्यक्रम जो निर्धारित हैं उनके पंपलेट्स आप तक पहुंचे हैं। कृपया आप सबसे अनुरोध है इन इवेंट्स में जरूर शामिल हों। आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से हमारे इस शुभारंभ कार्यक्रम के लिए मौका निकाला और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम आभारी हैं माननीय मंत्रीगणों के, माननीय जनप्रतिनिधियों के, हम इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथियों के।